काली बिल्ली रास्ता काट गई भाई। इस क्लिप में तो गिर गया, दोबारा क्लिप लेनी पड़ेगी। मैं फिर आ गया आज कंटेंट के नाम का। हाय गाइस, दिस इज रिकी, वेलकम टू रिकी भारद्वाज व्लॉग्स अगेन। सो भाई, पिछला व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और जो नया चैनल है भाई इस पर अपना प्यार दिखाना, सपोर्ट दिखाना है। 10 सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं अब तक इस पर, और धीरे धीरे अपना प्यार दिखाओ भाई। 50-100 कुछ तो सब्सक्राइबर कराओ, क्योंकि नया स्टार्टअप है, नया थोड़ा सा धक्का मिलेगा तो चैनल थोड़ा सा ग्रो होगा। तो जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ इसमें थोड़ी सी हेल्प करो। उसके अलावा भाई अब जा रहे हैं मैं, रोहन, मनीष और वंशुल, हम चारों जा रहे हैं स्विमिंग पूल नहारी। वहाँ पे जाके सीन दिखाता हूँ आपको। तो भाई अभी पता क्या हुआ, जैसे पिछली बार शेक पीने जा रहे थे ना मैं, मनीष और रोहन, तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया था। यूँ कहते हैं क्या हो गया, ले लो कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं बोला देख लेना कहीं शेक ही नहीं पीने को मिले। भाई शेक वाले पास गए, बोला कि चलो बना दूंगा, 10 मिनट हो गए बैठे बैठे। फिर कहता कि भैया कोल्ड कॉफ़ी तो नहीं है। बोला सही का ही, बिल्ली रास्ता काट के तो नुकसान हो ही गया, दूसरी दुकान पर जाना पड़ा था फिर। और आज क्या हुआ, बिल्कुल अभी जाते जाते काली बिल्ली रास्ता काट गई, और ये बोले चलो कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, काट दो रास्ता। अब रास्ता तो काट दिया, देखते हैं कुछ गलत ना हो जाए। फाइनली पहुंच गए हैं स्विमिंग पूल पे, और अब चलते हैं अंदर। और ये देखो भाई डिग्गी में आ गया अपना सामान, सही है ये मेरे हैं। आ गए ब्रो स्विमिंग पूल में, और भाई यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, सीखने की सोची थी स्विमिंग पूल में, स्विमिंग सीखने की 2000-4000 महीने का देखते हैं। नहीं भाई। तो भाई इस वीडियो में अब दिखाएंगे हम पाँचों जनों में से यहाँ से लेके वहाँ तक कौन पहले पहुँचता है, और उछल के मतलब कूद के रेस करेंगे। और फोन को रख देता हूँ यहाँ पर, जो भी पहले भाई वहाँ पे पहुँचेगा अपना हाथ सबसे पहले ऊपर उठा देगा पहुँचते ही, ठीक है? वीडियो में दिख जाएगा। भाई इस क्लिप में तो गिर गया, दोबारा क्लिप लेनी पड़ेगी। तो भाई फाइनली स्विमिंग पूल से निकल चुके हैं, और लास्ट का शावर लेने में जो मज़ा आया है अलग ही, मतलब उतना घर पे जाके नहाने की जरूरत ही नहीं। इसके अलावा भाई 2000 रुपये पर मंथ है फीस स्विमिंग सीखने की, और मैं मनीष और रोहन तीनों ही सोच रहे हैं सीखने की। यूँ नहीं है कि हफ्ते में एक छुट्टी होगी संडे की, हर दिन जा सकते हैं, ये चीज़ है, सही मज़ा आ जाएगा। भाई अब जा रहे हैं यहाँ से, अब सीधा दुकान पर जाएंगे और वहाँ पर बैठेंगे थोड़ी देर। आ गया हूँ घर पर, टावल समोसे और टाटा के बल लेकर, और ये सब मम्मी को देनी, और एक बार घर पे ब्रश कर लूँ क्योंकि दुकान पे रखे समोसे और वो खाने जाके। मम्मी बोलती नहीं भाई, देख लो भाई खा लो आप भी समोसे, मैं जा रहा हूँ काम दिखा देता हूँ भाई आपको कितना क्या हो गया है। ऊपर का तो लगभग हो ही गया है, यहाँ का देख लो, यहाँ पे यहाँ तक लग गई है, यहाँ पे गेट लग गया, यहाँ पे भी लग गई, ये रह गई बस यहाँ की। मजा आ गया समोसा खा के, है मतलब स्विमिंग करके और समोसे खा के कैसा लग रहा है? मतलब जल्दी रख दे, ठीक है वंशु भाई, बाय, मिलते हैं जल्दी। और ये ना चोट पे ना जाते ही दवाई लगा लियो, ठीक है? दिखाइयो कितनी लगी, खा ली भाई ने स्विमिंग पूल में चोट। आराम से जाइयो और दवाई लगा लियो, और मैसेज कर दियो पहुँचने के बाद, ठीक है? बाय। तुम दोनों में किसी को लेके जाऊँ मैं? तो भाई स्विमिंग पूल से आने के बाद इतनी तगड़ी थकावट हो रही है ना, नींद बहुत गंदी आ रही है नहाने के बाद ना, स्विमिंग पूल में इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है कि मतलब आप एक बस सो जाओ। लेकिन बैंक में जाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी काम है, पापा की 2 बार कॉल आ गई, जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाँ अब बन जाना सीधा। तो भाई अब हो गए हैं सारे काम ख़त्म, अब सोऊंगा, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। बैंक में क्या कुछ खास मिला नहीं, घर से पानी भर लाया, और अब थोड़ी देर रेस्ट करके फिर उठ के मिलता हूँ थोड़ी देर में।
तो भाई फाइनली घर पे आ गया था मैं और कूलर की तेज तेज हवा की आवाजें आ रही होंगी, एक बार बंद कर दो इसे। बाबी कैसी है तू? लेकिन सीधी बनी हुई है, इससे सीधी तो कोई है ही नहीं। देख अभी इसके ना हाथ पे मारता हूँ क्या करती है। आई वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है। चल खाना खा ले अपना, जा खाना बना हुआ है इसका, खा नहीं रही है, जाके जा ईट। देख लो भाई ईट बोलते ही। अरे आजा, नींद ला रहा तेरे को, आजा। क्या बात है। तो भाई आज खाने में मैगी, ये मम्मी की है मेरी, खाते आराम से। तो भाई अभी लेके जा रहा हूँ पप्पी को और रोहन के घर पर स्मोक से मिलवाने, देखते क्या रिएक्शन रहता दोनों का। देख कैसे खड़ी है, इसे खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है, अंदर ही हो स्मोकी है ना, यही है। देख जा पप्पी, उठ जा, चल 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 चल, चल पप्पी आ जा अंदर, चल। ओहो पप्पी डर रही है आज यहाँ पे। अरे नाखून मत मार यार। तो भाई आज बना रहे रोहन के घर पे चाय, और ये रोहन के दादा के लिए बना रहा हूँ 2 sugar 3 sugar free की गोली, और ये चाय पत्ती, और ये स्नोफी। चाय पीनी तेरे को भी आज भाई? वैसे ना ऐसे सिस्टम पे मैं पहली बार चाय बना रहा हूँ, क्योंकि भाई हमारे घर पे तो है नहीं, नए घर बनेगा तो ये ज़्यादा हो गया। नया घर बनेगा तो देखते हैं, चाय तो डालने की जरूरत नहीं, शुगर फ्री गोली डालनी पड़ती है। मल ओ सॉरी, वो डालने की, चीनी डालने की जरूरत नहीं। नशे कर लिया, कौन से नशे कर गया है? मैं बताइए मत, बोलिए मत। हाँ ठीक 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 ठीक, दुखता है। हाँ ठीक, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वो इससे ऊपर ही जा रहे, तो इससे गर्म नहीं होगा फिर, ये लगता है। शट अप। भाई जल्दी चला जा, जल्दी विविड तो लगता ही नहीं मेरे कैमरे में, विविड लगा दो भाई। तो भाई अभी आया था घर, और अभी जा रहा हूँ मम्मी के साथ हॉस्पिटल मम्मी को लेके। तो भाई डॉक्टर पास से आए थे, और अब आए माँ पास, माँ से मिलने, माँ से मिलवाते हो बंदे। माँ राम राम, कैसे हो? गेट तो देख लिया करो, कौन है कौन नहीं, वही खोल देते हो आप। ना ना देख के खोला करो आप, आवाज मार लिया करो कौन है कौन नहीं। सो भाई फाइनली आ गया हूँ घर पे, सारा दिन का शेड्यूल कुछ ऐसा था जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, आज किसी को मारेंगे पी के दारू, इग्नोर हिम। उसके अलावा भाई दिन बहुत बहुत बढ़िया गया, और भाई इस व्लॉग को करता मैं यही एंड। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।